अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसी रिकॉर्डर तो रोमियो जालब जिन्हों असी पंजाब कल्चर टीवी आखने हैं सलाम पेश करता है। मेरे सोने भैन भराओ, मैं तुहानू प्रोग्राम मुख्तलिफ विखांदा रहना है, मुख्तलिफ जगह पर जाता रहना है। अज असी आए हैं बागे जना दे विच, जिथे कई अदीब शायर इत्थे बैठे फनकार आए, शूटिंगां होईयां, फिल्मां बनियां। अज असी सियासी डेरे तो नवा मौजू लैके आए हैं, क्योंकि सियासी गल्लां तो हुंदियां रहियां, सियासी गल्लां नाल कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आवाम महंगाई तो अगे परेशान ने ना, इलेक्शन चाहते ने, वो खाण नूं कुछ चाहते ने। तो तुहाडे सामने ही है कि आटा किस तरह लोग लाइनों च लगे, आटा किस तरह लोगों को मिल रहा सीगा, यह सूरत हाल लेके बंदा होर परेशान हो जाता। अज इन परेशानियों तो असी दूर हट के नवे गल करांगे, वो गल करांगे असी अपने फिल्मी माहौल ते, कि असी फिल्मों के विच क्यों नहीं तरक्की की, वजूहत सीगियां, उसकी की गलबात सीगियां, ये असी अज असी मौजू ले आए हैं। इस करके कि जिथे मैं बैठा है इत्थे बड़िया फिल्मां बनिया, बड़े गाने प्रोड्यूस होए, इत्थे उर्दू फिल्मां भी बनिया, लेकिन इस इलाके च पंजाबी फिल्मां बहुत ही घट बनिया। सिर्फ सवाए उर्दू फिल्मों तो इत्थे और कोई फिल्म शूट नहीं होया, वह भी गाने का शूट इत्थे हुंदा सी ज़्यादा, क्योंकि इत्थे बाग ने, दरख्त ने, इत्थे बहुत पुराना ये पार्क है जिन्हों से बागे जिना कहते हैं, लारस गार्डन कहते हैं, ये अंग्रेज़ों ने बनाया सी, ये पार्क अंग्रेज़ों ने बनाया सी। इत्थे एक क्लब भी है जिन्हों असी कैद आजम लाइब्रेरी कहने, ये कैद आजम लाइब्रेरी तो पहले इत्थे क्लब हुंदा सी, लोग इत्थे आते इंजॉयमेंट करते, मतलब महफल लगदियां सीगियां। हुण ये क्लब अलहदा हो गया जिन्हों बागे जना, जिन्हों असी लारस गार्डन कहते, इंतजामिया वो एक क्लब चला रही है, उन्होंने असी अफसर क्लब कहने, जोड़े 18वें-19वें स्केल के अफसर ने उन्होंने वास्ते एक छोटा जिहा उन्होंने क्लब भी बनाया, जिस गेम वगैरह भी होंगे, जिसे उन्होंने बैठन उठन वास्ते भी ज मतलब एक प्रोग्राम होंगे, प्रोग्राम मुख्तलिफ होंदे रहिंदे ने, होटलिंग भी हैगी है। तो मेरे सोहणे भैण भराओ, यह तो हो गया इन्हां मौज। हुण मैं तुहानू अपनी हिस्टरी वाल थोड़ी जी मैं लैके जावां, क्योंकि मैं हमेशा हिस्टरी वाल तवज्जो दिंदा, तो मैं अपने सुनन वालों नूं भी कहांगा तुसीं भी अपने च हिस्सा पाया करो, ये अपना रोंद पाया करो, ये अपना सांझ पाया करो, ताकि तुहानूं भी पंजाब दे कल्चर दे बारे विच कोई पता चले, लाके तुसीं अवेयरनैस दे सको लोगों नूं। तुहाडे कोल कोई मौजू होवे, कोई गलबात होवे, तुसी साडे प्लेटफार्म ते तशरीफ लियाओ ते खुल के गल करो, जो भी करनी है तुसी खुल के गल करो, होर कोई प्लेटफार्म इत्थे हाजिर नहीं तुहाडे वास्ते, ना इत्थे नवें फनकारां वास्ते कोई अकैडमी है, ना कोई नवें अदीबां वास्ते अकैडमी है, ना कोई डॉक्टरां वास्ते अकैडमी है। ये अकैडमी खत्म हो गई, हालांकि पहले हुंदियां सीगियां, हुण उन्होंने खत्म करती, किस तरह करती, ये असी जाना नहीं चाहते। असी अज मैं एक मौजू लिया है कि साड़िया फिल्मा बन दिया सी, उर्दू बन दिया सी, जिस अच्छे फनकार भी सी, लेकिन असी अपनी कहानियां दे राही उन्हां चीज़ों को ख़त्म करता। कहानियां तो चंगियां होंदिया सी, लेकिन उन्हां च कहानियां च मजबूती नहीं ज़्यादा होंदी सी, वो आस्ता आस्ता कमर्शलाइज हो गई, उहदे विच ये हो गया ज़्यादा मार्केट आई, अंसर ने ज़्यादा ले लिया, उहदे विच नाले पंजाब च फिल्मां बनदियां सी, ते पंजाब दे विच पंजाबी फिल्मां ने उन्हां ते अबूर हासिल कर लिया, ते पंजाबी फिल्मां ने उर्दू फिल्मां दा पट्ठा बाता। ठीक है, पंजाबी फिल्मां बनदियां सी, अच्छियां बनदियां सी, उहदे विच अच्छे अच्छे अदाकार हुंदे सी, उह अदाकारी अच्छी करदे सी, ते हालांकि इन्ने पढ़े लिखे नहीं सी पंजाबी दे, साढ़े कोई अदाकार सुधीर साहब सी, वह बर्फ का फटा लाते ग्वाल मंडी दे विच, बदमाश है गए सी उस इलाके के बड़े नामवर बदमाश है गए सी, उसे किसी प्रोड्यूसर नूं पसंद आ गया, उन्हें कहा तू आ जा बई फिल्मों च काम कर, उन्होंने फिल्मों च काम करना सर। इस तरह यूसुफ खान सके, वह भी नस गए, वो बारी स्टूडियो की दीवार टप के चले गए अंदर, रंग चिट्टा सी, उन्होंने कहा तू भी आ जा, तू भी फिल्मों च काम कर।
इस तरह ही साढ़े कई हबीब साहब से, हबीब साहब फौज चले गए से नेवी के, तो उन्होंने नेवी पसंद नहीं, और नस के आ गए फिल्मी लाइना के आ गया। उसे कोई यार दोस्त फिल्म बनाता सी, तो उन्होंने कहा तू भी आ जा, तू पंजाबी फिल्मों काम कर ला। मतलब है साढ़े अदाकार इस तरह ही हंगामी तौर पर आए पंजाबी फिल्मों, लेकिन अपनी गलबात राही, मतलब है जिन्होंने कहते हैं जबान, जबान तो मुराद होंगी है कि वो अपनी गलबात के जरिए उन्होंने फिल्मों काम किया। आवाज़ अच्छी सी ना, आवाज़ की भी क्वालिटी होनी चाहिए है। तुम मैं दसिया कि आवाज़ की क्वालिटी साड़िया, मतलब है रेडियो तो शुरू हो के रेडियो जड़े जड़े फनकार पैदा किए रेडियो ने, तो वो रेडियो ने जड़े फनकार पैदा किए वो तारक अजीज सी, होर कई इरफान खुसर साहब सी, होर कई मतलब है नूरजहां साढ़े बहुत बड़ी गुरुकारा हुई हैं, अहमद रुश्ती साहब। रेडियो ने एक अकैडमी के तौर पर इन्हों फनकारों अपनी आवाज़ के जादू के राही लोगों तक पहुँचाया। जिस तरह एक निज़ामदीन का प्रोग्राम हुंदा सी, देहाती प्रोग्राम हुंदा सी, जिस तरह के मैं हुण अजकल कर रहे हैं पंजाब कल्चर टीवी तो पंजाबी का प्रोग्राम ही कर रहे हैं ना, उदों निज़ामदीन का प्रोग्राम हुंदा सी जिहड़ा रेडियो ते चलदा सी, उहदे विच तस्वीर नहीं हुंदी सी, लेकिन अपनी आवाज़ दे राही वो ऐसी गलबात करदे सी लोकां ते दिलां ते लगदा सी। हुण मैं भी कोई प्रोग्राम करना जदों मैं रस्ते च आ रहा हुआ तो कई लोग ही कहिंदे रोमियो साहब बड़ी सलाम तुहानू असीं भेजदे हां, तुसीं बड़ा प्यारा प्रोग्राम कीता, साडे बड़ा दिल नूं लग्गा, तुसीं साडे पंजाब दी हिस्टरी दे बारे दस्सिया, साडे मेलियां दे बारे दस्सिया, सानूं बड़ा पसंद आया। इस तरह ही साडे हमसाया मुल्कां च इंडिया दे विच वी जिहड़े सीगे कई लोग साडा प्रोग्राम वेख के बड़े खुश हुंदे ने, उह कहिंदे ने कि रोमियो साहब तुसीं पंजाबी दा कल्चर प्रोग्राम पेश करदे हो ते साडे दिल नूं लगदा। इस तरह ही चीज़ां जिहड़ियां दिल नूं लगन लोग पसंद करदे सी, इंज ही पंजाबी फिल्मां हुंदियां सीगियां, उहदे विच थोड़ी जी कॉमेडी पा देंदे सीगे, लेकिन उहदे विच इक देहाती माहौल विखांदे सी, देहातां दा पिंड विखांदे सी, मझां गावां दिखांदे सी। तुसीं हीर रांझे च वेख्या, हीर रांझे च उन्होंने ओरिजिनल मझां गावां, मतलब है सारा रांझे का तसव्वुर एक ख्याली तसव्वुर नूं एक हकीकत इस तरह महसूस हुंदा सी, इह हकीकी तसव्वुर है। ओ तेरी खैर होवे, ओ तेरी खैर होवे, डोली तुर जान वालिए, कौल हार के ते प्यार नू निभाउण वालिए, ओ तेरी खैर होवे। मेरा मतलब है रांझे दा तसव्वुर बड़ा ही अच्छा पेश किया। इस तरह ही सस्सी पुन्नू फिल्म बनाई सी इकबाल हसन विच नगमा सीगी, तो उन्होंने एक ऐसा हकीकी रंग पेश किया सस्सी पुन्नू च, ऐसा महसूस हो रहा सी वाकई ही सस्सी पुन्नू है। जदों जेल च जाते ने लिखारी बड़े प्यारे सी, और जिन्होंने गाने लिखे अहमद राही वर्गे, ओ जदों तेरी दुनिया तो प्यार तुर जाएगा, दस फेर दुनिया ते की रह जाएगा, जदों तेरी दुनिया तो जदों कोई प्यार दिया कसम ना खाएगा, दस फेर दुनिया ते की रह जाएगा, जदों तेरी दुनिया तो। ते इस तरह ही साढ़े हाँ बड़िया प्यारिया फिल्मा बनिया, बड़े प्यारे लिखण वाले सिगे, बड़े अच्छे अदाकार भी सिगे, लेकिन मैं तुहानूं दस्सिया अपनी आवाज़ के सिरते सिगे, अपनी आवाज़ के सिरते वो एक्टिंग करते सी, वो गुलूकारी करते, गुलूकार भी साढ़े बहुत अच्छे सी, मतलब है मसूद राणा होया, नूरजहां मैडम होई, परवेज मैदी साहब होए, मैदी हसन ने पंजाबी के बड़े बड़े प्यारे लिखे, उच्चा ना होवे प्यार दा, मतलब है कि ऐसे ऐसे गाने लिखे, ऐसी ऐसिया हकीकत मतलब है लोगों के दिलों च लगियां। तो ये गल्लां जिहड़ियां ना मैं तुहानूं इस करके दस रहा हाँ कि वह दौर बहुत अच्छा दौर समझा जाता, इस करके दौर अच्छा समझा जाता सी कि वह अच्छे लोग सीगे, अच्छिया एक्टर है सी, अच्छे लिखारी सी, अच्छे लिखण वाले सी। ये जिहड़ियां मैं तुहानूं चीज़ां दस रहा ये हकीकी तौर पर दस रहे, इहदे विच कोई मिलावट नहीं, कोई ऐसी गल नहीं। उन्हें हसन भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी फिल्मा बनाई, दुनिया मतलब दी ओ यार, ते असल है ना
अदाकारी एक्टिंग जड़ी है ना वो नैचुरल होनी चाहिए थी। तुसी फिर ही एक्टर बन सकते हो। हुण ते लोकी सिफारशी आ गए ने, कुड़ियां मुंडे आते ने रंग चिट्टा है तो वो कोई बाहरों आया, लंदन तो आया, अमरीका तो आया। मैं ऐसे ऐसे लोग जिन्हां नाल एक्टिंग का कोई वास्ता नहीं लेकिन वो इश्तहारां च भी आ रहे हैं, वो प्रोग्रामां दे विच भी आ रहे हैं कि जी लंदन तो आया मुंडा, अमरीका तो आया। मतलब वो पैसे देंदे होणगे ना इन्हां प्रोड्यूसरां नूं, फिर ही आते होणगे। पहले इस तरह नहीं सी, पहले अपने जोर अजमाई नाल लोकी आते सी, एक्टर बनते सी। रंगीला होया, नन्ना होया, मुनव्वर ज़रीफ होया, जुल्फी होया, ये लोग अपने अंदरों एक्टिंग। जिस तरह साढ़े हुण इमानुल्लाह साहब जी, वह भी एक नैचुरल अदाकार सी। नैचुरल तो मुराद हुंदी कि अंदर होवे, कुड़ी होवे या मुंडा होवे, उहदे अंदरों कोई गल निकले तो फिर वह मतलब है उहनूं समझ सके, उहदी गल जिहड़ी ना दूसरे तक हकीकत उहदे दिल नूं लगे। तो ये वो एक्टर सीगे, वो फनकार सीगे। मैनूं याद आ गया कि ईद आ रही है, ईद तो बड़िया फिल्मां रिलीज़ होंदियां सीगियां, हुण तो ईद तो कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही। तो मैं अपने सुनने वालों भी ईद की मुबारकबाद पेश करना, जिहड़े मैनूं सुनने वाले ने, पेश की ईद मुबारक होवे सारियां नूं। लेकिन फिल्मां तो नहीं आ रही, लेकिन रोमियो तुहानूं फिल्मी स्टोरी सुना रहा है कि तुसीं वेखो ईद के उत्ते मेरियां ही गल्लां सुनो। कि फिल्मां मतलब इन्नियां लगदियां सीगियां, रश हुंदा सी, लोकी फिल्मां वेखण जांदे सी, लाइनां 'च लग के टिकटां लैंदे सी, अज ईद आई है या फिल्म वेखनी है, बड़ी प्यारी फिल्म आ रही है, बड़ा मतलब है इश्क नचावे गली गली है, ते भरिया मेला, चढ़दा सूरज, ते कड़ी अपनियां दिलां दे सौदे। ओह कैसी कैसी फिल्मां होंदियां सी, कैसे कैसे गीत होंदे, लोग इंजॉय करते सी। उसके बाद आ गया, लोगों ने कुछ साढ़े गुजर बरादरी आ गई, कुछ दूसरे, ये तो मैं बाद तुम दसागा। इन लोगों ने मार कुटाई, बदमाशी से फिल्म, यह बदमाशी जी ना, बदमाशी से फिल्म बनानिया बड़ी आसान होंगे ने, लेकिन दिलों बदमाशी जी है ना वो कोई चंगी चीज़ तो नहीं हैगी। चंगी चीज़ है मुहब्बत, मुहब्बत करना एक दूसरे नाल, एक दूसरे दिलों मुहब्बत करना। तुहाडे असी तुहाडियां सी पुरानियां सी कहानियां, तुहानू दस्सां सी पुन्नू हीर रांझा, ये लोग इन्हां मुहब्बतां ते कहानी फिल्मां बनियां ने, किन्नियां किन्नियां मकबूल होईयां, और कहानियां किन्नियां किन्नियां पुरानियां सीगियां, है सी हकीकत सी नहीं सी, लेकिन वह अच्छियां लगदियां। मुहब्बत हर एक नूं अच्छी लगती है, मुहब्बत बुरी चीज़ नहीं, मुहब्बत अमन सिखाती है, मुहब्बत एक पायदारी सिखाती है, मुहब्बत इंसान नूं मजबूत बनाती है। जिहड़ा बंदा किसी इंसान इंसान नाल मुहब्बत करता है वही इंसान कहलांदा है। अल्लाह ने भी फरमाया है, ऐ बंदे मेरे बंदे नाल प्यार कर, मेरे बंदियां वास्ते दरवाज़ा खोल। इन्हां चीज़ां नूं असी सोचना बंद कर दिता। तो इस तरह फिल्मां बनदियां सी, लोकी जांदे सी, शोरों शोरों नाल फिल्मां वेखदे सी, वो गाने गांदे सी, हैं छेती बोड़ी वे तबीपा, नहीं ते मैं मर गई हाँ, तेरे इश्क नचाया करके धैया धैया, छेती बोड़ी वे तबीपा, नहीं ते मैं मर गई हाँ, तेरे इश्क नचाया करके धैया धैया, छेती बोड़ी वे तबीपा। मेरा मतलब है ये इश्क दियां फिल्मां जिहड़ियां बनदियां सी, इहदे विच जिहड़े गाने लिखे जांदे सी वो इन्ने मजबूत होंदे सी, वो भी दिल नूं लगदे सी, कहानियां भी दिल नूं लगदियां सीगियां, ते इक इंजॉय हुंदा सी। हाफ टाइम हुंदा सीगा, लोकी बेकरी दा समान कोई वेच रहा, कोई चाह वेच रहा, कोई बिस्कुट वेच रहा, वह भी एक तफरी हुंदी सी, एक माहौल जिहा बणिया हुंदा सी। एक सलमे दा, वह सलमे बड़े साफ सुथरे हुंदे सी, मतलब साढ़े तो सलमे सारे ढह गए, टायरां दी ट्यूबां बन गईयां। मुबारक सलमा सी, डबल टी सलमा सी, मैट्रोपोस सी, रिटर सलमा सी, कई सलमे ऐसे सी शानदार जिहड़े साफ सुथरे, इंज खुशबू आंदियां सी। हुण उत्थे चले जाओ, मैं वेख्या सलमियां 'च बुरा हाल होया पिया, टुट भज खत्म हो गया। उत्थे लोगों ने टायरां दी ट्यूबां बिल्डिंगां खड़ियां कर लईयां, रिटे सलम मैट्रोपोल दा नामो निशान ही खत्म हो गया, सारे दा खत्म हो गया, सलमे खत्म हो गए। नाजरी ने मैं इस करके तुहानूं दस रहा, ईद दा दिहाड़ा है, तुसी फिल्मां तां नहीं जा सकते सलमियां 'च देखण वास्ते, कम अज़ कम तुसी फिल्मी माहौल तो बना सकते हो मेरे नाल। तो मैं तुहानूं इह कहांगा कि यह जिहड़ियां चीज़ां ना साडियां खत्म तो हो गई, लेकिन अजे भी सानू याद आंदियां ने, अजे भी सानू गाने अच्छे लगते हैं। कदे तुसी वेख्या कि गाने तुहानू भैड़े लगे होण,
ओ दुनिया मतलब दी ओ यार मतलब होवे ते प्यार भी कर दे जालम दुनियादार दुनिया मतलब दी ओ यार। ये नैसन भट्टी साहब गाते हुए सी अपनी आवाज़ च ते नैसन भट्टी साहब दियां बड़ियां फिल्मां मकबूल होईयां उनदे थिएटर बड़े मकबूल होंदे सीगे उन्होंने बड़ा पैसा कमाया उस दौर दे विच नैसन भट्टी साहब ने उनका भरा सी कैफी ए दोनों भरावां ने बड़ियां बड़ियां अच्छियां फिल्मां बनाईयां लेकिन अपनी आवाज़ दे नाल ही जादू सी उनदी आवाज़ च ते लोक मुतासर होंदे सी ते बड़े शौक नाल ओह फिल्मां भी वेखन जांदे सी। ते नाज़रीन मेरे सोहणे भैण भराओ ए फिल्मां साढ़े हाँ तफरी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई तफरी का नामो निशान ही खत्म हो गया असी कुटन माहौल च रहने हैं असी एक ऐसे कुटन च माहौल रहने हैं तेरी ऐसी तैसी तेनू उन्होंने गाला कर लिया उन्होंने गाला कर लिया ये अपनी तफरी पूरी कर देने साढ़े जो उत्ते बैठे ने जोड़े इंसाफ करने वाले ने वह भी नहीं वेखते कि वह की कर रहे हैं उन्होंने की करना चाहिए इन्हें केस ने पेंशनर के दूसरों के उन्होंने फैसले नहीं होने ये सियासी के माहौल च फस गए वह भी फस गए वह भी फस गए आवाम महंगाई फस गई आवाम कितने जाए आवाम ना उधर जाए ना इधर आए घर बैठे बस टी वी वेखे और टी वी भी की वेखना और टी वी च माहौल ही नहीं गया तुसीं ड्रामे वेखदे हो ड्रामिया दे विच फैशनेबल बस फैशनेबल दिखाई जा रहा है गड्डी उतरदा है इन्नी वड्डी उहदी बिल्डिंग है इन्नी वड्डी कोठी है इन्नी वड्डी ओ ये ओ साडे ते 80% लोग देहातां च रहिंदे है तुसीं ओह चीज़ां नहीं दिखाते जो पंजाब च देहाती माहौल जिहड़ा बनाया कि लोग मतलब है शौक नाल वेखदे सी अपने माहौल नूं उहनां दीआं फिल्मां बनदियां सी और लोग जैरो कतार उत्थे जांदे सीगे फिल्मां वेखण पिंडां थावां तों शहरां च आंदे सीगे हुण ओह छोटे छोटे शहरां च सिनेमे हुंदे सी ओह भी खत्म हो गए। ते मेरे सोहणे भैण भराओ असीं ओह कल्चर नूं खत्म तां कर दित्ता है लेकिन इस कल्चर नूं जिंदा जरूर रखना है। मैनूं उम्मीद है मेरियां गल्लां ये जिहड़े वड्डे वड्डे प्रोड्यूसर है जरूर सुनदे ने असद नूर साहब ने वादा कीता कि मैं पंजाबी फिल्म ऐसी बना रहे हैं जिहदे विच पंजाबी माहौल होएगा रोमियो साहब च कल्चर माहौल भी होएगा तो मैं बड़ी खुशी है सही है नूर साहब तुम ऐसा माहौल तुम चूड़ियाँ बनाईया सी तो कामयाब हो गई सी लोग पसंद करना चाहते हैं कोई कल्चर प्रोग्राम लोग पसंद करते हैं इतने मेला लग जाए ना जिन्हें गार्डन च भी छोटा जि जलानी पार्क के बाग जिन्हों के इतने मतलब कल्चर माहौल विखाते बड़ी थोड़ी दुनिया आती है पैर रखने जगह नहीं होती लोग तरसे पे ने तो मैं चाहवागा कि ऐसा फिल्मा भी बनन ऐसे ड्रामे भी लगन जो पंजाबी ड्रामे होन सारे उर्दू ड्रामे मैं कहना कौमी जबान है लेकिन असी पंजाब च गए हैं असी पंजाबियों की गल करांगे असी उस स्टेट ड्रामिया की बेहूदा असी गल्लां तां नहीं करांगे कि उत्थे ऐसियां ऐसियां मावां भैणां दियां गल्लां कढ़नियां शुरू हो गई है ना ऐसी असी गल्लां करदे ना मावां भैणां दियां उन्हां नूं भी चाहिए कुछ अल्लाह का खौफ करन वो ऐसे असी ए डांस असी वेखना ये पंजाबी डांस हैगा ये पंजाबियां गल्लां है तेरी भैन कुल उहदे च तंदूर च रोटियां लांदी है तेरी भैन वड्डे वड्डे गले पाउंदी है तेरी भैन नूं मैं चुके लै गया वो ये गल्लां कुछ सोचो इहदे ते भी गौरमेंट नूं चाहिए पाबंदी लवा दे बंद कर दे कि पंजाबी ड्रामे दिखाओ सीधे और अच्छे माहौल दे भी दिखाओ जिथे पंजाबी कल्चर नूं फरोहत मिले सही ये जुक्ता मारन मैं भी मार सकदा मैं भी कह सकदा जाके लेकिन मैं इस माहौल नूं पसंद नहीं किया मैं भी ड्रामे च जा सकता मैनूं बड़ी ऑफर हुई कि रोमियो साहब पंजाबी ड्रामे च काम करो लेकिन मैं कहा नहीं यार साडा पंजाबी माहौल है ही नहीं गा साडा कल्चर सानूं अफोर्ड ही नहीं करता है। तो मेरे सोहणे भैण भराओ असी अफोर्ड करना पंजाबी कल्चर नूं तो तुसीं इहदे विच हिस्सा लिया करो ये मैनूं बड़ी खुशी होएगी जो लोग पंजाबी बोलते हैं पंजाबी गलबात करते हैं और बड़ी सोहनी पंजाबी बोलते हैं लेकिन वो अपने कमरे च बंद होकर रह गए हैं उन्होंने कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता मैं तुम्हें प्लेटफार्म दिना मैं तुम्हें प्लेटफार्म दिता 180 मुल्क तुम वेख रहे हैं 180 मुल्क तुम वेख रहे हैं यह कितना बड़ा प्लेटफार्म है PC रिकॉर्डर्स पंजाब कल्चर TV यह प्लेटफार्म तुहाडे वास्ते हाजिर है 03-4-8-0-8-0-8-3-2 नंबर जे तुसी इत्थे कॉन्टैक्ट करो और मैं इस प्रोग्राम के नीचे नंबर भी लिख देंगा ताकि तुहानू आसानी पैदा होए। ते नाज़रीन ये प्रोग्राम तुसी वेखदे रहा करो पंजाब कल्चर च हिस्सा पाया करो हो सकदा है तुहाडे विच कोई गुलूकार फनकार अदाकार पैदा हो जाण ते साडी इंडस्ट्री फिर ओए प्रोड्यूसर की कमी नहीं प्रोड्यूसर बने ने तुहानू चांस भी लैके देंगे कोई ऐसी गल नहीं मैं तुहानू चांस लैके देंगा लेकिन तुसी एक बारी प्लेटफार्म ते आके अपनी मुजाहरा करो लो रोमियो जालम नू
अज इतों इजाजत दो, फिल्मा तो नहीं सैलमिया लग सकियाँ, लेकिन मैं एक छोटा जहा माहौल जरूर पैदा किया करता जा रहा है, जिनू तुम ईद दिन जरूर इंजॉय करोगे। तो मेरे सारों ईद मुबारक होवे, सारे भैन भरावां नूं जिहड़े मेरे सुनने वाले ने, जिहड़े मेरे दूर दराज दे ने दूसरे मुल्कां च, तुहानूं ईद दीआं खुशियां लैके आवे, जिन्हां नूं गम ने परेशानियां ने अल्लाह ताला उहनां दीआं परेशानियां नूं दूर कराए, लेकिन इंजॉय करिया करो। यह दुनिया कहिंदे ने पानी, यह बुलबुला जे पानी दा, चार दिनां दी जिंदगी उहदे बाद पानी दा बुलबुला, ते इह हैगा कि तुसीं इहदे च तुसीं इंजॉय करो। इस इंजॉय नूं तुसीं अपना एक टारगेट रखो, सांझ दो। ते इह जिहड़ियां गल्लां तुसीं जरूर याद रखना जे, ये प्यारियां गल्लां, उच्चा नां होवे प्यार दा, हमेशा उच्चा नां प्यार दा ही रखना जे। ये फिल्म दा नां भी सी। चलो जी, रोमियो साहब नूं अज इस बागे जना तों इजाजत दिओ, फिर असीं तुहाडे वास्ते कोई अछूता निराला मज़ेदार किस्म का टॉपिक लैके आवांगे इस सियासी डेरे तो। सियासी डेरे तो यह जिहियां गल्लां भी होणगियां, दूजियां गल्लां भी होणगियां। खुदा हाफिज़, रब रखा।